अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो मीट माई टोमाटो प्लांट माशाल्लाह से बहुत हेल्दी है और आज थोड़ी सी इसकी किसी एक डिज़ीज़ पर बात करते हैं। तो ये देखिए, ये है एक डिज़ीज़ जो कि फ्रूट अभी छोटा होता है और इसके बॉटम पर ये इस किस्म की डिज़ीज़ आना शुरू हो जाती है। पहले इस तरह होता है और फिर बाद में साइडों से गलना शुरू हो जाता है। ये होता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट को किसी किस्म का डिज़ीज़, फंगस नहीं इसको हम कह सकते, इसको हम कहेंगे कि कोई डिज़ीज़ इसको स्टार्ट हो गई है, ये बॉटम से इस तरह आना शुरू हो गया। इसका एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, इसके अंदर आपके प्लांट में किसी एक चीज़ की कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। देखिए गुच्छों की सूरत में मेरे बाकी सब टमाटोज देखिए हेल्दी हैं, बस ये एक दो टमाटोज के बॉटम पर ये मसला शुरू हो गया था। तो मैंने इसको नेट पर सर्च किया तो मुझे कोई वीडियो मिली नहीं, सो मैंने खुद ही इसका सोल्यूशन ढूंढा। ये जो डिज़ीज़ स्टार्ट होती है आपके प्लांट में स्टार्ट होती है एक मैग्नीशियम की कमी की वजह से और पोटेशियम की वजह से। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच सिरके के डालें और सबसे पहले आप 2 चम्मच सिरके के लें और उसमें 1.5 चम्मच एग्शेल पीस लें ड्राई करके, ठीक है? वो उसमें 3-4 घंटे के लिए भगोएं और उसको छोड़ दें। 3-4 घंटे बाद आप उस सॉल्यूशन को लीजिए और लेने के बाद उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए और अपने प्लांट में यहाँ नीचे डाल दीजिए, ठीक है? देखिए मैंने एक्शल्स वैसे भी यहाँ पर फेंके हुए हैं अपनी क्यारी में, छोटी सी क्यारी है मेरी, और ये आप कोयले भी देख सकते हैं कि मैंने कोयले भी यहाँ पर फेंके हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ मेरे प्लांट की जा रही है। तो यही एक दो इसके हल हैं। दूसरा सेकंड इसका सोल्यूशन है कि आपने कोयले की राख लेनी है, लकड़ी की राख ले लें, कपड़ा जला लें उसकी राख ले लें, कोई सी भी राख आप ले लें और लेने के बाद आप फिर उसकी राख जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। एक बहुत ही सस्ता नुस्खा, एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, फ्री का नुस्खा है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे फूल आते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे से वो टमाटर बनना स्टार्ट हो जाते हैं लाइक दिस, और माशाल्लाह से मेरे पूरा प्लांट जो है अल्लाह के हुक्म से भरा हुआ है टमाटरों से, किसी किस्म के कोई पेस्ट अटैक नहीं है इसमें। और ये देखिए बड़े बड़े टमाटर अब तो आ रहे हैं माशाल्लाह, तो कोई ख़ास केयर भी नहीं की, बस इनको धूप प्रॉपर दी है और इनको तेज़ धूप से बचाना आपने, जैसे कि मैंने ऐसे ग्रीन नेट लगा रखी है अपने, इनको ज़्यादा धूप नहीं आए। तो ये एक दो काम आपने बस करने हैं और आप किसी भी लोकल नर्सरी पे जाएं, वहाँ से 50 रुपीज़ की खाद मिलती है बनी बनाई, वो ले आएँ, वो एक दो मुट्ठी इनको आप हर 5-6 दिन बाद डाल दिया करें। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये डिज़ीज़ आपके टमाटो पे आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बैग पे थोड़ा सा शोर है बाइक का, तो ये देखिए ये इस तरह फूल गिर जाते हैं और फिर इनमें टमाटर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? इस तरह ये फूल है, ये फूल गिर जाएगा और फिर इसके अंदर ही टमाटर लगना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराइए, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी क्योंकि मेरे 2-3 टमाटोज पर ये मसला स्टार्ट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा दिल बड़ा किया, मज़बूत किया और ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं ये करके देखती हूँ, सिरका वगैरह इनको डालती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है इसका रिज़ल्ट मुझे 3-4 दिन बाद ही मिला और 3-4 दिन बाद बारिश भी हो गई कुछ, तो मेरे जो 1-2 टमाटर थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। माशाल्लाह से बहुत फैला हुआ है, इनको स्टिक्स का सहारा दिया हुआ है मैंने, देखिए स्टिक्स लगाई हुई हैं इनके ऊपर ताकि ये गिरे नहीं। ये मेरे मशरों के पौधे भी इसके साथ लगे हैं, न्याजबू भी इसके साथ पड़ी है, इसकी सीडलिंग मैंने खुद से की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर,
और सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं नेक्स्ट में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दूँ। ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, इससे मुझे खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए मज़ीद जो है वीडियोस लाऊं, बनाऊं और आपको अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं अपनी गार्डनिंग एक्सपीरियंस की। तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, मगर यूट्यूब बनाने का चैनल अब ख्याल आया मुझे कि मैं चैनल बनाऊं और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। वैसे तो बहुत से चैनल्स हैं यहाँ पर जिनको आप देख भी रहे होंगे और उनसे आप फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। मैंने भी कुछ ऐसा ही सीखा है मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स कर करके और कुछ वीडियोज़ देख देख कर। तो खैर, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसकी वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि इस डिज़ीज़ के ऊपर कोई वीडियो नहीं मौजूद, मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा सबसे पहले वीडियो मैं इसी बात पर बनाऊँ। खैर, इसकी सीडलिंग का भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने खुद से इसकी सीडलिंग की थी और अब माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया और इसको बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है। और दूसरा ये कि आसान काम है, मुश्किल नहीं है। सो खुश रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ और लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए। अपने लिए मुश्किल नहीं बनाइए, अपने घर का माहौल अच्छा रखिए। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।